call me a god. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession, I will not stop. तो गाइस आज आपको दिखाएंगे यामाहा R15M और ये है फुल लोड। इसमें काफ़ी सारे काम बिल्कुल नए हैं हमारे चैनल के अकॉर्डिंग। जैसा कि आप सबसे पहले यहाँ पर देखो, इसमें PPF की जगह पूरी की पूरी बाइक कर दी है सिल्वर रैपिंग, यानी कि जिस कलर का आता है उसी कलर का। ये स्टॉक कलर आपको भले ही लग रहा होगा क्योंकि कैमरे में, लेकिन रियल में कहानी ये है कि इसका जो पूरे के पूरा जो बाइक है ना, इसमें PPF की जगह पहले पूरी रैपिंग कर दी है, वो भी सेम टू सेम कलर की, जिस कलर की बाइक आती है। उसके बाद हमें ये डिज़ाइन भी बनाने थे ना इसमें, इसलिए तो हमने PPF का काम नहीं किया, ताकि इस हिसाब से ये वाला लुक देना था। ये लो जी, अब ये हैंडमेड डीकल, गिरना मत बस। ये लो जी, ये जो है भाई इस शार्क बनाई है, एक मिनट, ये शार्क का लुक आ रहा है यहाँ पर देख लो। इसकी जो है दांत वगैरह प्रॉपर बनाया गया, लेकिन सबसे पहले जो बेस कोट था वो था इसका सिल्वर कलर, सिल्वर का जो कि फ्रंट हो गया। ये आपका जो है टैंक, ऑल अबाउट जो फुल बाइक को पहले रैपिंग करने के बाद आप चाहो PPF लेमिनेशन करा सकते हो, लेकिन सिल्वर करने के बाद फिर इसमें जो है ब्लैक कलर का यहाँ पर डिज़ाइनिंग करने के बाद फिर कुछ इस तरीके से व्हाइट कलर के इसके दांत बनाए गए, कुछ ये वाला लुक आ रहा है। और इस साइड से भी एक बार देख लो आप, क्योंकि ये है ग्राफिक का वर्क। ये लो जी, सबसे पहले ग्राफिक का एक बार कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईलाइट वही ज़्यादा पार्ट हो रहा है, तो इसलिए पहले उसे कवर कर देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं मॉडिफिकेशन में और क्या क्या चीज़ें हैं। ये तो हो गई स्टार्टिंग, आते हैं फ्रंट पे। फ्रंट पे सबसे पहले आप देख लो यहाँ पर वाइजर, जो कि कंपनी का ही है, लेकिन अपने बबल वाइजर भी आता है। इस पर जो है रैपिंग कर रखी है, इसके अलावा 10R स्टाइल वाले मिरर, इग्निशन ऑन करके भाई जलवा, भाई वाह क्या लुक है यार। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ब्लू लगवा रहे थे, काफ़ी सारी वीडियो में ब्लू ब्लू ब्लू, बट इस बार कॉन्सेप्ट चेंज है, ये रेड कर दिया है। और इसी के साथ में यहाँ पर भी है, तो ये स्ट्रिप्स लाइट है, यहाँ पर लाइट चेकआउट कर सकते हो, एम्बिएंट लाइट है। और इसका है यहाँ पर इस तरीके का रिमोट, जिससे आप कलर को चेंज कर सकते हो। ये लो जी, जैसे अपने TV का रिमोट काम करता है ना, तो वैसे ही काम कर रहा है ये। लेकिन भाई सच बताऊँ तो रेड ही अच्छा लग रहा है इस पर, क्योंकि सामने रेड ये है। तो ये देख लो जी, दिया हमने। और भाई देखो जी, ये वाली एम्बिएंट लाइट है, ये जो है चाबी ऑन करो या ऑफ़ करो, ये कलर नहीं चेंज करेगी, सिर्फ नीचे वाली करेगी, ठीक है जी। बाकी आप चाहो तो ये भी करवा सकते हो, यहाँ पर रेड कलर की कर दी, यहाँ पर पूरी मैंने आपको दिखा दिया जिस तरीके इसका रिमोट आता है। अगर मैं रियल में बात करूँगा तो पूरा एक वीडियो बन जाएगा। इसको करते हैं साइड में, इसका इग्निशन ऑफ करके ऑन करते ना, तो कुछ इस तरीके से इफेक्ट जाता है, जो काफ़ी ऑसम लगता है। आपको नहीं, सामने वाले को लगेगा, आपको दिखेगा ही नहीं है। ये लो, तो ये फ्रंट इसका काफ़ी ज़्यादा ऑसम कर देता है। तो लाइटिंग वगैरह की बात हो गई समाप्त, अब यहाँ पर आप देख लो इसका ये स्विच, स्विच को जैसे ही ऑन करता हूँ ना, तो इसकी आइज़ के अंदर हज़ार लगा रखा है, जिस तरीके से आपके जो है इंडिकेटर वर्क करते हैं, तो इसकी आइज़ भी कुछ इस तरीके से, कभी ये वाली जितनी बार ऑन ऑफ करूँगा उसी तरीके से पैटर्न चेंज हो जाते हैं। ये देखो आइज़ हज़ार हो गया, इसके अलावा फोर्क प्रोटेक्शन हो गई, फोर्क स्लाइडर हो गया यहाँ पर, जो फोर्क प्रोटेक्शन है ये ब्लू कलर की लिए, गोल्डन कलर आपने काफ़ी सारे देखे हमारे, तो कॉम्बिनेशन तो आप कोई भी ले सकते हो कलर का, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती। सस्पेंशन वगैरह डैमेज नहीं होते आपके, इसमें काफ़ी सारे कलर और ही मिल जाएंगे जो वहाँ पर लगे हुए, दिखा देना। तो ये आप जिस कलर का आप कहोगे कॉम्बिनेशन बना दिया जाएगा। जो अभी यहाँ पर हमने टच लिया है वो लिया है अलॉय व्हील से, व्हील कवर लगे हुए, व्हील कवर दो तरीके का आता है, एक आता है जो पूरा जो है इसका पूरा जो है टायर बाहर निकलता है फिर लगता है, एक बाहर से ही लग जाता है, तो ये वो वाला है जो बाहर से लग जाता है। पीछे भी देख लो एक बार, तो यहाँ पर व्हील कवर लगा रखे हैं, तो भाई ये ऐसे तो इतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जब दूर से देखते हो तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, चलती बाइक और ज़्यादा अच्छी लगती है। एग्जॉस्ट का यहाँ पर कवर लगा रखा है R15M की ब्रांडिंग के साथ, शार्क मडगार्ड, रेयर फेंडर मडगार्ड भी कहते हैं इसे, कुछ ये वाला लुक आता है। और बात करो मिट्टी वगैरह इसके अंदर नहीं जाती, ये इसका यूज़ रहता है। पीछे आई थिंक इसमें टेल टाइडी भी लगा रखी है पूरी। ये लो जी, फोल्डिंग सिस्टम इसका बंद कर रखा है। और इंडिकेटर जो लिए वो लिए हैं KTM वाले, कुछ भी LED, तो ये टेल टाइडी लगी हुई है, नंबर प्लेट कवर लगे हुए हैं जो कि मेटल वाले हैं, ग्रैबरेल यहाँ पर लगा रखे हैं। ये लो जी, ग्रैबरेल की फिटिंग भी आप देख लो, बहुत ही ज़बरदस्त है। और गाइस इसमें क्या है, जैसे ये वाले पार्ट टूट जाते हैं ना, तो इसकी प्रोटेक्शन भी रहती है, फिर आगे पीछे करने में भी कोई टेंशन नहीं रहती है। और जो पीछे बैठेंगे तो वो कुछ इसको इस तरीके से होल्ड भी कर सकते हैं। तो ये सीट हैंडल आपका बन चुका है, वो भी मेटल वाला, ठीक है जी। यहाँ पर लगा रखे हैं स्लाइडर, जो कि यामा की ब्रांडिंग के साथ आपको मिल जाते हैं। इसका क्रैश गार्ड भी है अपने पास, क्रैश गार्ड के और भी काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं, जो अगर आप वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पर इंडिकेटर लगा रखे हैं छोटे से, जो कि उसी फिटिंग के अंदर आएंगे, जो आपकी कंपनी के इंडिकेटर निकलते हैं उसी फिटिंग के अंदर एज इट इज़। इसके अलावा लीवर्स हो गए यहाँ पर गोल्डन, जो कि कुछ ये वाला लुक दे रहे हैं, एडजस्टेबल वाले हैं यहाँ पर। और हैंड ग्रिप हो गई RCV वाली, काफ़ी कंफर्टेबल रहती है ये भी। और ये कि पूरे के पूरा इसका टी चेंज है, ये देख लो फ्रंट, इसमें अपने पास V3 का ही मिल जाएगा, ये R15, V4 और M दोनों पे लग जाता है। की का कवर देख लो, इस पर लगा हुआ है CNC में, और CNC जो होता है ये कटिंग की जो है मशीन को कहते हैं, CNC पार्ट जो होता है, जो मटेरियल होता है वो होता है मेटल का। अब इसका इग्निशन ऑन करके आपको फॉग लैंप और दिखा देते हैं, जो कि पता नहीं चल रही थी मुझे भी और आपको भी। ये लो जी, येलो हो गया और भैया हो गया वाइट, एक बार थ्रो भी दिखा देना सामने से कैसा है इसका, तीन चार लौंडे दिख जाएंगे बैठे हुए एक साथ ये
ये लो भाई हो गया। तो ये टी में बात कर रहा था, टी जिन लोगों को लगवानी लगवा सकते हैं, बहुत ही हैवी होती है। बस ये रहता है कि थोड़ा सा कंट्रास्ट आ जाता है, लुक आ जाता है, क्योंकि जो आप इस तरीके चला रहे होते हो ना, तो एक यहाँ से जो ये फ्रंट आता है तो ये अच्छा दिखता है। टेना स्टाइल वाले मिरर की बात कर रहा था, इसमें आपको इंडिकेटर का भी ऑप्शन मिलता है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखा चुके हैं, एक बार और चीज़ दिखाते हैं। साइड स्टैंड कवर तो ये लगा हुआ है, इसके अलावा यहाँ पर लगा रखे चेन कवर जो कि मेटल में है, कंपनी लगा के देती है, प्लास्टिक का देती है, तो यहाँ पर मेटल का लग चुका है। तो बहुत ही कम टाइम मैंने सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं, कुछ रहेगा तो अभी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आ जाओ जी, किसको बात करनी है? आई जेड शायद भूल गए, बता दिया इंडिकेटर का हैजार्ड हैजार्ड है ही नहीं। और बताओ, और भाई जिन भाइयों को ये काम कराना हो, ये एक्चुअली हैंडमेड है, जितना भी भैया ने आपको दिखाया सारा हैंडमेड किए गए हैं। डीकल्स वगैरह वैसे इसकी पूरी किट भी आती है, डीकल किट, बट हैंडमेड ज़्यादा अच्छा है। इसकी प्रॉपर फिटमेंट जो है, मतलब जो कमिंग है, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है इसके अंदर जो लगाया गया। और एक चीज़ और होती है, हैंडमेड में कुछ नया होता है, कुछ नया डीकल सब लगा लेते हैं। बिल्कुल। और हमारे यहाँ डीकल कम लगाई जाती है, ऐसा नहीं है कि लगाई नहीं जाती है, लगाई जाती है लेकिन कम। हैंडमेड में हर बार कुछ नया डिजाइन बनता है। और दूसरी बात, ऐसी गाड़ी हो या ऐसी हो, इधर दिखाया जा रहा, ऐसी हो या कैसी भी हो, जैसी भी हो, आना कहाँ पर है? सिर्फ और सिर्फ SKD पर आना है, जो कि आपके दिल्ली करोलबाग नायवलन मार्केट के अंदर है। करोलबाग नायवलन 36 नंबर के लिए बैक साइड में, फ्रंट में हमारा देखेंगे तो आर्य समाज रोड है, सामने अपोजिट हमारे मिलेगा टॉयलेट घर और साउथ होटल, दो चीज़। और एक टॉयलेट घर क्या करें, वो है तो है। इसके भाई यहाँ नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, कॉल भी कर सकते हो, अगर आपको नहीं मिल रही है आप फोन करोगे, आप वहीं रुक जाना, आपको वहाँ से पिकअप कर लेंगे, उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अपनी दूसरी शॉप भी है, वो 51 नंबर गली के कॉर्नर पर, जो कि SKD के नाम से, वो भी शॉप है हमारी। और कॉलिंग और व्हाट्सअप का जो टाइमिंग है वो खासकर ध्यान रखो, उसका टाइम है सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक का। बाकी बताएंगे हमारे सिकंदर भाई, मैं कुछ नहीं बताऊँगा, मैं यही बोलूँगा इसमें क्या अच्छा लगा कमेंट करो, सीधे सीधे व्हाट्सअप करो। और भाई अगर इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हो जल्दी जल्दी, तो वहाँ जाकर पहले फॉलो करो, वहाँ पहले वीडियो डालता हूँ, बाद में यूट्यूब पर डालता हूँ, समझ रहे हो? तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो, तो टिल देन बाय, जय हिंद जय भारत, सब्सक्राइब मार दिया करो कभी कभी। तो जी लोकेशन की वीडियो आ चुकी है, और अब इस वीडियो को देखकर आप अपनी शॉप पर आ सकते हो सीधा, और जो कि आपको लोकेशन ऐसी समझाई जाएगी कि आपको कुछ नहीं करना, देखते ही आपको समझ आएगा कहाँ आना। ये देखो जी, तो ये है हनुमान जी की मूर्ति, आपने कहीं से भी आना है, बस ये एक बार इसका ना मेन जगह का नाम बता दो क्या है। हनुमान जी की मूर्ति दिख रही है, हनुमान जी की मूर्ति है, मेन झंडे वाला मेट्रो स्टेशन के अपोजिट है ये। तो यहाँ की लोकेशन लगानी है, करना बस हमारी वीडियो खोलनी है और फॉलो करना है। मैं थोड़े से 360 के सिनेमेटिक डालूंगा और थोड़े से अपने नॉर्मली फ़ोन के, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हनुमान जी की मूर्ति का फेस है ना, ये सीधा हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, ये देखो ये हमारी शॉप की तरफ ही है, हमारी शॉप की तरफ है। ये देखो जी, अभी आपको हाफ दिख रही थी कि बीच में ये मेट्रो का पुल था, आप यहाँ से क्लियर चेक कर सकते हो, ये हो गया जी। अब यहाँ से आपको इस तरीके से आना है, ये गोल चक्कर है पूरा, ठीक है, इस वाले कट में नहीं जाना है, इधर इस तरीके से आना है यहाँ पर, और आते रहना है, आते रहना है। और ये जो लाल बत्ती आप चेक कर रहे हो, ये ग्रीन बस के पीछे जस्ट, थोड़ा सा ट्रैफिक आपको मिल सकता है तो उससे आप भयभीत ना हो, वो क्लियर हो जाता। तो ये लाल बत्ती है, अब इसके आपने बस अंदर चले जाना है, बोर्ड आर्य समाज रोड का, ये आर्य समाज रोड का बोर्ड आप चेक कर सकते हो, और ये बिल्कुल स्ट्रेट चले आना है आपने, ये चेक कर सकते हो, रहेगा पूरा बापा नगर और अजमल खान रोड, ये इस तरीके का बोर्ड आपको दिखेगा, तब भी स्ट्रेट चलते आना आपने, ये स्ट्रेट, ये बिल्कुल स्ट्रेट चलते आना है। और अब यहाँ पर एक और लाल बत्ती आएगी, बहुत छोटी सी लाल बत्ती है, बस यहीं पर ही आपने इस लाल बत्ती के अंदर लेना है, और हल्का सा रॉन्ग साइड आना है, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ पर आके कॉल कर दोगे तब भी मैं आपको लेने आ जाऊँगा। ये देखो भाई, तो ये रेड लाइट है, अब यहाँ से हल्का सा आप अगर सामने चेक कर रहे हो तो आपको SKD का बोर्ड दिख रहा होगा, तो ये देखो भाई आप चेक कर सकते हो बोर्ड, ये काफ़ी चढ़ांदा है, जो जिनसे बच के रहिएगा। ये आ गई अपनी शॉप, तो अंदर से ही आपको दिखा देता हूँ, ये है जी कुछ इस तरीके का अपना शॉप। तो ये हो गया गाइस अपनी शॉप, जो कि बहुत छोटी सी है, टू साइड ओपन है। मेरा नाम है राजू भाई, और ये हमारे सिकंदर भाई, इनको तो सभी जानते होंगे, काफी सारे लोग इनको सिकंदर बोल देते हैं, हाँ काफी सारे लोग मुझे राजू बोल देते हैं, एक ही बात है, राजू भाई सिकंदर भाई, हम दोनों आप लोगों के साथ में मिलेंगे आपको शॉप पर ही, जल्दी आएंगे तो शायद ये ना मिले, और ज़्यादा लेने शायद ये ना मिले, बट मैं जरूर, अब मैं बता दूँ आपको मुद्दे की बात, हम लोग मिले ना मिले लेकिन काम आपका पूरा होगा 100%।
यहाँ पर जब भी आप आओगे तो काफ़ी सारे लोग बोलेंगे यही SKD है या यही जो भी आप कहोगे कि हाँ यहाँ से करा लो सस्ते में कर देंगे। तो आप लोग अगर हमारी वीडियो देखकर आ रहे हो तो आप हमारे पास आ रहे हो तो प्रॉपर काम करवाना चाहते हो वायर कटिंग के बगैर जेन्युइन तरीके से, तो आपको कहाँ आना है? एड्रेस सीधा SKD पर आना है। वीडियो आपने देखी ली है, फिर भी अगर आपको मैं एक नॉर्मली एड्रेस बताऊँ तो आप एड्रेस भी देख सकते हो। कार्ड दिखा दो पूरा जी, कार्ड में आप फोकस कर सकते हो, पूरा एड्रेस है। आने के बाद आपको पता लग जाए। और कॉल जब भी आप करोगे उसका भी टाइम बता दो एक बार। कॉलिंग का जो टाइम होता है वो अपना टाइम है, सुबह 10 बजे से लेके रात को 8 बजे तक का कॉलिंग और व्हाट्सअप सब का रिप्लाई आपको आएगा। उसके बाद अगर रिप्लाई नहीं आएगा तो आप टेंशन मत लीजिएगा, जिन्होंने ऑर्डर दिए हैं वो भी, जो ऑर्डर नहीं दे रहे हैं वो भी, उनका भी आपको रिप्लाई सेम टाइम में आएगा। क्योंकि एवरी डे हमारी ओपन शॉप है, कोई हमारा क्लोजिंग डे नहीं है। वैसे मंडे मार्केट क्लोज होती है बट अपना एवरी डे ओपन रहता है। तो आपने फ्रंट से देखा लेकिन जो लोकेशन है ना वो कभी कभी पीछे से ले आती है, तो एक बार पीछे से दिखाता हूँ। क्योंकि टू साइड ओपन है, दोनों दुकानें हमारी टू साइड ओपन है ना। हाँ जी बिल्कुल। तो एक तो आपने फ्रंट से देख लिया, बैक से भी देख लो। जब आप बैक से आओगे तो आपको कुछ यहाँ से एंट्री होगी आपकी, इस पर फ्रंट पे भी लिखा हुआ है। फ्रंट पे दिखाते हैं पहले आप। अच्छा, जब भी कोई बंदा आएगा सामने रेड लाइट से मुड़ता है तो लोकेशन अंदर ले आती है, उधर नहीं जाती है, दिखाती है सामने रेड लाइट होगी। ये वही रेड लाइट है जो मैंने आपको दिखाई थी पहले, वो रेड लाइट भी है साथ में साइकिल अंकल आपको दिख ही रहा होगा काफ़ी बड़ा बड़ा। और सीधा अंदर एंट्री मारते ही आपको 36 नंबर के लिए। और यहाँ पर भी अगर आप आओगे तो आपको यहाँ भी बोर्ड दिखेगा SKD का। ठीक है, उसी दुकान का भी आपको एक बार बोर्ड दिखा देता हूँ। तो भाई साउथ रंडल आप लोगों को दिख रहा है कि ये आगे रेड लाइट, यहाँ भी चेक कर सकते हो। और सामने अपना SKD का बोर्ड, एक तो ये कट हो गया। अगर आप इस कट पर नहीं कट ले पाए हो तो एक कट हो रहा है इसके आगे से करने, आप सीधे यहाँ से भी आगे और इस जगह पर आ सकते हो आप। ठीक है, तो मैं आपको कट दिखाता हूँ, फिर मैं आपको दूसरी दुकान का भी दिखाता हूँ। बिल्कुल सीधा स्ट्रेट है। एक गाइस ये है, यहाँ से यूटर्न लेके सीधे आप SKD पहुँच जाओगे। लेकिन सबसे पहले बात तो है, ये जो है ना ये मेन जो चौक है ये मार्केट का कट है। ठीक है, तो मार्केट का कट होने का ना बंदे ज़्यादातर यहीं आते हैं, यहाँ से बंदे कन्फ्यूज अंदर जाके या बाहर जाके कैसे करें। तो ये आपका चौक है, सीधा आपने ठीक है ठीक है चेक कर लो आप। तो अभी जो आपने देखा था वो आपने अपनी मेन दुकान देखी थी। मेन क्या है, दोनों ही मेन है यार, जहाँ पहुँचो वही मेन है। अब मैं स्ट्रेट आना है, ये आ गया पहला चौक। ठीक है, इस चौक पर रुकना नहीं है, सीधा चौक पार करना है। ठीक है, चौक हो गया पार और ये रही हमारी दूसरी दुकान। ये आ गया SKD का बोर्ड टू साइड, ये अपनी दूसरी दुकान है। और यहाँ पर एक रेडी लगती है, यहाँ पर दिखाऊँगा वहाँ का टेस्ट भी करना।